con nayar yang driver. Ada sini ni yang driver. विकी जी यहाँ पे होल्ड 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 सर 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 विकी जी होल्ड एक वेट वेट सर ये इधर देखिए सर इधर एक दोनों का सर इधर देखो सर आले आले जी सर आपका सिंगल ले रहे हैं जब नहीं कर साथ में साथ में आलिया जी यार योर लेफ्ट आलिया मैम इधर मैम यार एक सोलो सोलो आलिया जी एक सोलो आलिया जी सोलो सोलो ऊपर में क्या बहुत भीड़ है ना हाँ इसलिए ए तुम मत यार आलिया जी यहाँ पे आलिया मैडम इधर सामने मैम इधर देखिए आलिया जी इधर नहीं देखा आलिया जी इधर सामने देखिए सेंटर में मैम सेंटर या या थैंक यू चलो चलो पता अरे क्या कर रहे हो कब आ रहे हो क्या तुम यार यही कर दो कैमरा आगे डालो कोई नहीं मिलेगा अरे मैडम किधर है मैम किधर है मैडम रुके रुके इधर एक पोस इधर कीजिए अभी मैम इधर ही या या सेंटर आलिया जी साहब आलिया जी होल्ड होल्ड आलिया जी होल्ड या चलो 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 ये ऑडी डालना ये माइक रुक ना अभी मेरा माइक ले लो ये व्हाइट लाइट बंद करो ना ये बंद कर दम अरे कैमरा मत डालो ना ज़ूम करो दादा इधर भी आलिया जी यहाँ पर आलिया जी इधर इधर स्ट्रेट 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 थैंक यू विनोद ए विनोद थैंक यू
आप सेटल है भाई लोग अरे सुनी लिए यार रे आ रहे आ रहे हम लोग सुना के अरे विकी कौशल भाई भी आ गया यार मालूम ही नहीं था यार रुके रुके यहां पे होल्ड लो 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 आपका सोलो निकाल देते हैं विकी जी होल्ड एक मिनट सर इधर देखिए दोनों का सर इधर देखो सोलो ले सर आपका सिंगल ले रहे हैं जब तक इधर देखिए आगे आगे मैडम आगे मेरा किधर भाग गया बे तेरा नल्ला है देखो साथ में अरे जी इधर से चल दीजिए अरे मैम इधर मैम यो थैंक यू एक सोलो सोलो अले जी एक सोलो अले जी सोलो सोलो ऊपर में क्या बहुत भीड़ है ना तो सोलो नहीं मिल पाएगा इसीलिए हां ए तू मत जा इधर ये तो पूरा पीछे का बिल्डिंग दिख रहा है मैम इधर देखिए अले जी इधर नहीं देखा यहाँ पे सामने देखिए सेंटर में मैम सेंटर थैंक यू अरे भागम दौड़ी मत करो हम लोग पहले जाओ मैडम भी आप चेक अरे मनोज मैडम किधर है मैम किधर है मैडम रुकिए रुकिए इधर एक पोज इधर कीजिए अभी हां मैम इधर ही यो यो सेंटर आलिया जी सामने देखिए ओ दो आले जी और पोज चार भाई 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 की लाग रहा है यो 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 थैंक यू चलो चलो आओ Thank you.
हाँ बोलिए
अभी भी आपने कुछ फैन से इंटरेक्शन किया, क्या कह रहे थे वो आपसे? आई थिंक हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर जितना भी रिस्पॉन्स मिला वो अच्छा, वो अच्छा। जहाँ भी जितने भी दूर तक पूछे थे कैसी लगी कुछ के आंसू, आंखों में आंसू भी थे एंड ऑल, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब लोग रोते हैं, मेरा काम हो गया, अगर लोग रो रहे तो दैट मींस वी हैव डन आवर जॉब। बट इट्स ब्यूटीफुल ना, वो आके ना आपको स्माइल के साथ कहते हैं हम बहुत रोए, सो दैट्स ब्यूटीफुल, सो दैट्स नाइस। आई मीन ऑनेस्टली ऐसे जब थिएटर्स में हम आते हैं तो एक्चुअली हमारी इच्छा ये होती है कि हम थिएटर्स में रह के पूरी फिल्म देखिए, पर वो पॉसिबल नहीं है। सो बट टू जस्ट गेट द स्ट्रेट इंस्टेंट रिएक्शन उनका थिएटर से निकलने के बाद, दैट्स लाइक द बेस्ट फीलिंग। और वैसे भी हम घर बैठे बैठे ना हम फोन पे ये कि कैसी लगी, कैसी लग रही है, वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, सो इट्स गुड कि हम यहाँ आके उन्हीं से पूछ रहे हैं कि कैसी लगी आपको, एंड टू गेट अ पर्सनल रिएक्शन फ्रॉम देम, इट फील्स स्पेशल। विकी, क्योंकि हम सब जानते हैं आलिया को तो बहुत ही लोग प्यार करते हैं, चाहे ऑडियंस हो चाहे इंडस्ट्री, हर कोई प्यार करता है, आपको पर्सनली किस तरीके का रिएक्शन मिल रहा है आपके रोल के लिए, लोग कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं कहती हूँ मेरे जो दोस्त हैं सब मुझसे कह रहे हैं कि हमें विकी जैसा हस्बैंड चाहिए, हमें एक बार जैसा हस्बैंड चाहिए। आई थिंक ऑल द एटलीस्ट दैट्स द रिएक्शन आई गॉट, क्योंकि लड़कियाँ जब मुझे मैसेज करती हैं, ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैव सीन, दे आर लाइक ओ माय गॉड विकी कौशल इज ही सिंगल, प्लीज उससे हमसे उनसे मिलवा दो। सो डेफिनेटली गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी। हाँ, सिंगल है कि नहीं बताया नहीं मैंने, मैंने मैंने बता दीजिए, बता दीजिए। नहीं, मैं बहुत सिंगल हूँ, मैं इतना सिंगल मैं बता नहीं सकता। काफी सिंगल हूँ, काफी सिंगल। टेल देम व्हाट योर रिएक्शन। बट नहीं, आई मीन कहानी को लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सहमत को, इकबाल को, सबको इतना प्यार दे रहे हैं, और लोग मतलब कहानी के बारे में नहीं बता सकते, बट बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और द गुड थिंग इज कि लोग इस कहानी के थ्रू भूल रहे हैं कि कई बार तो रिस्पॉन्स आ रहा है कि अरे यू मेड अस फील गुड अबाउट अ पाकिस्तानी, विच इज सो गुड, कि वो बॉर्डर्स थोड़ी ब्लर हो गई है, यू नो, एक हल्का सा वो डाइल्यूशन आया, वो अच्छा लगता है कि जो हमने कहानी के तौर पे मेघना ट्राइड डूइंग दैट, वो सफल हुआ, तो वो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा यार चलो किरदार की आप नेशनैलिटी नहीं देख रहे हो, आप किरदार को उस किरदार की तरह देख रहे हो। आलिया, आप काफ़ी अपने जितने भी किरदार होते हैं उनके साथ आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं हर फिल्म में, क्योंकि हमने आपके बबली लुक से लेके हमने आपको एक सीरियस कैरेक्टर में देखा है, क्या चलता है आपके माइंड में जब आप अलग अलग किरदार को निभाती हैं, कितनी नर्वस रहती हैं, कितनी एक्साइटेड रहती हैं उसके? नर्वस रहती हूँ, पर अंदर ही अंदर नर्वस रहती हूँ, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ मैं, इसलिए मैं बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ प्रेपरेशन वगैरह, पर अपने ही दिमाग में अपने अंदर करती हूँ। आई थिंक सबसे बड़ी बात यही है कि आप डायरेक्टर के मतलब एकदम गुड स्टूडेंट बन के रहो, जो भी डायरेक्टर चाहते हैं आप डायरेक्टर को देते रहो इवेंचुअली, क्योंकि डायरेक्टर की फिल्म है, हम सिर्फ एक्टर्स हैं जो उस विजन को आगे निकालते हैं, पर विजन डायरेक्टर्स की होती है, राइटर्स की होती है। साथ ही बॉक्स ऑफिस पे भी, क्योंकि हमने कई फिल्में देखी, बहुत ही कम फिल्में ऐसी हैं जो इस साल बॉक्स ऑफिस पे इतनी अच्छी कमाई की है, आपकी फिल्में फर्स्ट डे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अमेजिंग। हाँ, ऑनेस्टली हमें ऐसे फील नहीं हुआ था कि बॉक्स ऑफिस फर्स्ट डे इतना होगा, मतलब आई वॉज लाइक, मैं जब मुझे बताया गया मैं बोला मजाक मत करो यार ऐसे, मतलब लड़की के साथ कैसे मजाक करते हैं, यू नो, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ रिलीज, सो बट दैट ऑब्वियसली मीन्स कि इसका जो कंटेंट है वो क्लिक हुआ है पब्लिक के साथ, और हम अपने जो कंट्री को है उनको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर उनके लिए फिल्म बनाएंगे तो वो आएंगे फिल्म देखने, मेरे लिए बहुत बड़ी सीख हुई है। बट क्या आपको लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री के एक्ट्रेसेस हैं उनके प्रति भी ऑडियंस की जो सोच है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है? आई थिंक एक्ट्रेस एक्टर अभी मेरे ख्याल से भी ब्लर हो गए हैं, अभी आई थिंक सिर्फ कॉन्टेंट को लेकर फिल्में बन रही है। हमारी सबसे बड़ी आई थिंक सबसे बड़ी जो प्लस थी वो हमारी ट्रेलर थी, द ट्रेलर जस्ट क्लिक्ड। और ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ नॉट अ कॉल दैट वी आर इन्वॉल्व इन, और हम कई फिल्में पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होती है, आई डोंट थिंक कि ये पर्सनल है हमारे फिल्म को लेकर, ऑब्वियसली हम होप करेंगे कि रिलीज़ हो, बट नो हार्ड फीलिंग्स व्हाटसोएवर। अभी की व्हाट्स योर रिएक्शन, बिकॉज आप लाइक यू सेड कि कहीं ना कहीं ब्लर होता दिख रहा है सबको, आपका क्या रिएक्शन होगा क्योंकि आप एक पाकिस्तानी किरदार को निभा भी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि फिल्म को पाकिस्तान में? नहीं, देखिए एज अ टीम मेंबर ऑफ अ फिल्म आप चाहते हैं कि जितने लोगों तक पहुंचे उतना, ऑब्वियसली यू नो वी ऑलवेज होप फॉर दैट, बट अगर वो कहीं नहीं होती है तो उनके वो अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने रीजंस हैं व्हिच सूट्स देम, तो वो खुश रहे, अगर उनको कभी देखकर लगे कि अरे यार कि ये तो हो सकती थी, दे विल बी हैप्पी टू नो दैट, बट
लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारे तरफ से हम किसी की साइड यू नो वी आर नॉट डूइंग एनी लाइक एनी काइंड ऑफ बैशिंग तो या अगले किरदार में भी देखेंगे तो इससे बेहतर करेगी तो कैसा रहा वो गिरगिट बनना कैसा रहा आपके गिरगिट बनना कैसा रहा मैं रंग बदलू नहीं हूँ अगर लोग समझ रहे कि गिरगिट या नहीं मैं काफ़ी बड़ी कॉम्प्लीमेंट है एक्टर के लिए मैं कहूँगी क्योंकि गिरगिट की तरह कैरेक्टर्स के अंदर घुस जाना और फिर वो कैरेक्टर बन जाना वो काफ़ी मज़ा आता है और कर पाना भी एक यू नो इट इज़ अ चैलेंज तो मेघना तो ऑब्वियसली मुझसे बहुत प्यार करती है तो वैसे कहेगी अभी मैं अगले डायरेक्टर से पूछूंगी कि मैं गिरगिट हूँ कि नहीं अच्छा आलिया एक चीज़ और जानना चाहेंगे क्योंकि आपका ये तो रिलीज हुई है राजी लेकिन आपका 2018 काफ़ी शेड्यूल काफ़ी टाइट है आपका रणवीर सिंह के साथ आपकी मूवी आ रही है उसके बाद आप कलंक की भी शूटिंग स्टार्ट आई थिंक कर चुकी है कर चुकी हूँ तो कैसा चल रहा है आपका शूट चल ही रहा है हाँ पहली बार काम कर रही हूँ मैं क्या कहूँ चल ही रहा है कुछ दिन या रात का मुझे पता नहीं है उनके साथ एक्सपीरियंस ऑब्वियसली उनकी ही तरह खूबसूरत रहा है अभी अभी हमने शुरुआत की है बहुत काफ़ी दिन अभी मैं कल शूटिंग के लिए वापस जाऊँगी आप देखेंगे मेरा मॉर्निंग सेल्फी डे 9 क्योंकि इट इज़ अ वेरी एपिक फिल्म एपिक ड्रामा है तो बहुत कुछ है मज़े करने में मज़ा करने के लिए उनके साथ और यू नो ऑल दी अदर कैरेक्टर्स के साथ भी फिंगर्स क्रॉस सारी फिल्मों के लिए गली बॉय कलंक एंड ब्रह्मास्त्र थैंक यू सो मच